बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू जहान एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम इंडिसेस और सर्ड्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस के बारे में। याद रखें, इंडिसेस को एक्सपोनेंट और पावर भी कहा जाता है। व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए रेज टू पावर एन इज डिफाइंड एज ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए इंटू डॉट 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 इंटू एन टाइम। यानी a रेज टू पावर n से मुराद है a मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम। वेयर a इज़ ए बेस, a को हम बेस कहते हैं। n इज़ ए इंडेक्स, यानी जो n है उसे इंडेक्स भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और पावर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 5 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यानी अगर पावर 4 टाइम है तो इसका मतलब है इसके बेस को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट यूँ बनता है कि अगर किसी बेस की पावर जितनी हो उस बेस को उतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ इंडिसेस की। ये आपके सामने रूल्स लिखे हुए हैं और उसे आगे एग्जांपल के साथ समझाया गया है। फॉर ए इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर बी एंड क्यू, ये दो रूल्स मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर किसी बेस की पावर ज़ीरो हो, यहाँ पे ए बेस है, तो उसका आंसर 1 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 रेज टू पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा। इसी तरह 2 की जगह 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। जिस बेस की भी पावर 0 होगी उसका आंसर हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपकी पावर माइनस में हो तो उसका आंसर क्या होगा। a रेज टू पावर माइनस पी इज इक्वल टू 1 ओवर a रेज टू पावर पी। और अगर पावर माइनस में है तो वो रेसिप्रोकल में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरह अगर इसको रिवर्स देखें, अगर आपकी पावर डिनोमिनेटर में है, प्लस में है, तो न्यूमिनेटर में आके वो माइनस हो जाएगी। इसकी एग्जांपल यूं है, 2 रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3, यानी इज इक्वल टू 1 ओवर 8। और इसी तरह इस प्रोसेस को अगर रिवर्स देखा जाए तो 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल होगा 2 रेज टू पावर माइनस 3। इंडिसेस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रूल फॉर द सेम बेस, यानी ऐसी इंडिसेस जिनके बेस सेम हो उनके लिए रूल क्या है। पहला रूल ये है, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। यानी अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों और उनके बेस सेम हों लेकिन पावर डिफरेंट हों, तो उसका आंसर होगा कि एक बेस लिखा जाएगा और पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 प्लस 3, और आंसर आएगा a रेज टू पावर 5। यानी बेस सिंगल हो जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट रूल है, a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। यानी अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हूँ तो जो डिनोमिनेटर वाली पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में पावर का साइन पॉजिटिव n है, जबकि फाइनल आंसर में ये m माइनस n हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, a रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय a रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 5 माइनस 3, और फाइनल आंसर होगा a रेज टू पावर 2। नेक्स्ट रूल है, a रेज टू पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। यानी अगर किसी बेस की वैल्यू में दो पावर्स आ जाएं, एक पावर बेस के ऊपर हो और एक पावर किसी ब्रैकेट के ऊपर हो, तो आप दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, a रेज टू पावर 6 होल पावर 3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 18। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर द सेम इंडेक्स, यानी ऐसी इंडिसेस जिनकी पावर जो हैं वो सेम हों और बेस डिफरेंट हों उनके लिए रूल्स क्या होंगे। रूल्स नंबर 1, a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर n। फॉर एग्जांपल, a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b द होल पावर इज 2। इस रूल में आप देख रहे हैं कि a और b दो डिफरेंट बेस हैं, लेकिन इनकी पावर्स यानी इनके एक्सपोनेंट सेम हैं, तो हम दोनों डिफरेंट बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और इंडेक्स को हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि एक ही मर्तबा लिखेंगे। सेकंड रूल ये है कि
कि a रेज टू पावर n ओवर b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a ओवर b द होल पावर इज n. फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर 3 ओवर b रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू a ओवर b द होल पावर इज 3. इस रूल में आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट बेस वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, लेकिन उनकी पावर सेम है, तो इसलिए बेस हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाकर पावर को एक ही मर्तबा लिखेंगे. ये रूल्स सेम इंडेक्स के लिए हैं, यानी सेम पावर के लिए हैं. जब सेम पावर हो तो उसके लिए ये रूल हैं. अब हम बात करते हैं सर्ड्स की. तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्ड्स होते क्या हैं. सर्ड इज़ अ इरेशनल रूट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी सर्ड्स जो हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर के इरेशनल रूट्स होते हैं. ये शुरू में जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम पढ़ेंगे n रूट ऑफ a. n को ऑर्डर कहते हैं, और ये जो साइन बना हुआ है इसे रेडिकल साइन कहेंगे, और a को हम रेडिकेंड कहेंगे, और इसे बेस भी कह सकते हैं. और इसको अगर पढ़ा जाएगा तो इस तरह पढ़ा जाएगा n रूट ऑफ a. इसकी एग्जांपल देख लें, स्केयर रूट ऑफ 2, स्केयर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, इस टाइप की तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं ये बेसिकली इरेशनल रूट्स हैं और इनको सर्ड्स कहते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स ऑफ सर्ड्स. रूल्स ऑफ सर्ड्स में आप देख रहे हैं n रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 ओवर n. सेकंड है n रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू n रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय n रूट ऑफ b. इसका मतलब है कि n रूट ऑफ a इंटू b को हम सेपरेट सेपरेट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. थर्ड रूल है n रूट ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू n रूट ऑफ a ओवर n रूट ऑफ b. फोर्थ है n रूट ऑफ a द होल पावर इज m. सबसे पहले n रूट ऑफ a को हम लिखेंगे a रेज टू पावर 1 ओवर n, और ब्रैकेट के साथ लिखेंगे द होल पावर इज m, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा a रेज टू पावर m ओवर n. इसी तरह इस टाइप के जब क्वेश्चंस दिए होंगे तो आप इन रूल्स को ज़हन में रखते हुए आसानी से अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद है स्टूडेंट्स आज आपने इंडिसेस, रूल्स ऑफ इंडिसेस, सर्ड्स, रूल्स ऑफ सर्ड्स को अच्छी तरह समझ लिया होगा. मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल जहान अकेडमी को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको वक्त पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में.